हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा। मैजिकल रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है वेज मंचूरियन की। इसे आप गर्मा गर्म नूडल्स या फिर फ्राइड राइस के साथ खा सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इस रेसिपी को फटाफट स्टार्ट किया जाए। तो मंचूरियन बनाने के लिए हम सबसे पहले पत्ता गोभी ले लेंगे। हमने यहाँ पर बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसे हम 5 मिनट तक छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद हम इसे निचोड़ लेंगे और इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर इस तरीके से पानी को निकाल लिया है। अब इस पानी को हम हटा देंगे और पत्ता गोभी को ले लेंगे। अब इसमें हम बाकी की सब्जियाँ भी डाल देंगे। यहाँ पर हम बारीक कटी हुई बीन्स डाल देंगे, साथ ही साथ बारीक कटा हुआ गाजर, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको बाइंडिंग करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसमें और थोड़ी सी मैदा और कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम अच्छे से इसे मिला लेंगे। तो देखिए, हमारी जो मिक्सचर है वो रेडी है। अब इसका हम छोटा छोटा बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से हम बॉल्स को बनाकर रेडी कर लेंगे। अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए हम पैन में तेल ले लेंगे और तेल को हम अच्छे से पहले गर्म कर लेंगे। तेल हमारी अच्छे से गर्म है। अब इसे हम एक एक करके तेल में डालते जाएंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ से ये हो जाए तब इसे हम पलट लेंगे। तो सारे बॉल्स जो है गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे। अब हम मंचूरियन की ग्रेवी बना लेंगे। तो ग्रेवी बनाने के लिए हम यहाँ पर पैन में 2 टेबलस्पून तेल ले लेंगे और तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें 2 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। अभी इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और इसमें हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे और इसमें हम कटी हुई कैप्सिकम डाल देंगे। तो सारी सब्जियां हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम सॉस डाल देंगे। यहाँ पर हम 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप डाल देंगे। दो टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, इसमें हम 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम पानी डाल देंगे और इसे हम एक बॉयल आने देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ग्रेवी को हम थोड़ा सा थिक करने के लिए यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का घोल डाल देंगे इसमें। तो यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे हम ग्रेवी में डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम एक उबाल आने देंगे।
देखिए हमारी ग्रेवी तैयार है, अब इसमें हम मंचूरियन बॉल्स को डाल देंगे। अब इसमें हम कटा हुआ हरा प्याज डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए हमारी वेज मंचूरियन बनकर तैयार है, अब इसे हम फटाफट से निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।